चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के फैंस के लिए रिसेंटली एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये गुड न्यूज सलमान के फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। वेल, आपको बताना चाहेंगे, ना सिर्फ सलमान के फैंस के लिए ये गुड न्यूज आई है, बल्कि पॉपुलर एक्ट्रेस भाग्यश्री के फैंस के लिए भी ये बेहद बड़ी खुशखबरी है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि स्टार प्लस के पॉपुलर रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी के बारे में हाल ही में ये शो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ है और इस शो में कई पॉपुलर जोड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं अपने पति हिमालय दासानी के साथ भाग्यश्री ने भी इस शो में पार्टिसिपेट किया है और ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है अपकमिंग एपिसोड। दरअसल रिसेंटली खबर आई है सलमान खान को लेकर, फैंस को एक शानदार सरप्राइज दे सकते हैं सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान को लेकर गुड न्यूज आ चुकी है कि जल्द ही सलमान खान इस शो में एंट्री कर सकते हैं। आइए बताते हैं इस पूरी ही खबर के बारे में। टीवी टाउन में इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है स्टार प्लस का नया रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी। इस रियलिटी शो में कई सेलिब्रिटीज ने अपने लाइफ पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट किया है। स्टार प्लस के इस नए रियलिटी शो में एक्टिंग, डांस, क्रिकेट, म्यूजिक, कॉमेडी और कोरियोग्राफी जैसे अलग अलग क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज कपल्स ने एक साथ पार्टिसिपेट किया है। शो में न्यूली मैरिड कपल अंकिता लोखंडे और विकी जैन से लेकर 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री अपने पति हिमालय दासानी के साथ नजर आ रही है। इस दौरान देखने को मिल रहा है कि भाग्यश्री के साथ साथ तमाम जोड़ियां भी अपने दिल की बातों को शेयर करती हुई नजर आ रही हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कई राज खोलते हुए भी देखे जा रहे हैं। बता दें आपको, अंकिता लोखंडे विकी जैन के साथ साथ अर्जुन बिजलानी, नेहा स्वामी, राहुल महाजन, नताल्या, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और भाग्यश्री हिमालय दासानी ने अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जहां एक तरफ ये शो टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है, तो वहीं बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की तरफ से भाग्यश्री को एक शानदार तोहफा मिलने जा रहा है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक सामने आया है कि सलमान खान इस शो में नजर आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भाईजान इस शो में नजर क्यों आएंगे। वेल, आपको बता दें, सलमान खान का भले ही लाइफ पार्टनर नहीं है, लेकिन सलमान खान इस शो में नजर आएंगे। सलमान की स्पेशल एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ उनकी प्यारी सी दोस्त को एक्ट्रेस भाग्यश्री के लिए। जी हाँ, स्मार्ट जोड़ी के अपकमिंग एपिसोड में भाग्यश्री जहाँ एक तरफ बताएंगी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर हिमालय दास्तानी से शादी की, लेकिन यहाँ पर सलमान खान भाग्यश्री के लिए एंट्री करते हुए नजर आएंगे, भाग्यश्री को सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। बता दें आपको, भाग्यश्री की शादी की खास बात ये रही कि भाग्यश्री और हिमालय दासानी की इस शादी में सलमान खान और डायरेक्टर सूरज बड़जात्या भी मौजूद रहे थे। जी हाँ, इस बात की जानकारी मिलने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान अपनी पुरानी दोस्त भाग्यश्री के साथ अपनी सालों पुरानी दोस्ती को निभाने के लिए इस शो में आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि अगर वह शारीरिक तौर पर शो में आते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, वरना मेकर्स उनका एक ऑडियो विजुअल मैसेज शो में चलाने के बारे में सोच रहे हैं। बता दें आपको, फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री और सलमान एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे और इस फिल्म के जरिए भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई थी। इसके अलावा सलमान और भाग्यश्री रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं, जब सलमान ने स्वागत किया था भाग्यश्री का। आज भी दोनों बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं। आप
सभी ने देखा जाना सलमान खान किस तरह से भाग्यश्री को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो फैंस के लिए वाकई में ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए सलमान आप सभी को नजर आएंगे फिल्म टाइगर 3 में। वहीं कभी ईद कभी दिवाली को लेकर भी वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली फिल्मी पर्दे पर रिलीज हो सकती है इसी साल। दावा किया जा रहा है इस फिल्म को लेकर कि मेकर्स ने फैसला ले लिया है 30 दिसंबर के दिन साल 2022 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।